पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक लगातार धर्मांतरण और हिंदू संगठनों की गतिविधियों को लेकर सुर्खियों में है। इससे जुड़ी खबरें वहां से लगातार आ रही है। इन मुद्दों को लेकर वहां पर अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच टकराव देखा जा रहा है। ऐसे ही एक मामले में महिलाओं के एक समूह ने हिंदू संगठन के लोगों को घर से दौड़ा दौड़ा कर भगा दिया। ಪ್ರೇಯರ್ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇಯರ್ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾರ जानकारी के मुताबिक घटना के समय हिंदू संगठनों के लोग घर घर पहुंचकर कुछ जानकारी हासिल कर रहे थे। दरअसल कर्नाटक में एक घर में जब हिंदू संगठनों के लोग जबरन घुसकर वहां मौजूद लोगों से क्रिसमस मनाने पर ऐतराज और पहनावे पर सवाल उठाने लगे हैं, ऐसे ही एक मामले में महिलाओं ने उन्हें सख्ती से जवाब देते हुए घर से बाहर निकाल दिया। क्रिसमस के 3 दिन बाद पुरुषों का एक समूह ओबीसी समुदाय घरों में घुसकर परिवार के सदस्यों से पहनावे और दिनचर्या को लेकर सवाल पूछ रहे थे। हिंदू संगठनों के लोगों ने घर में घुसकर सवाल किया कि आपका परिवार क्रिसमस क्यों मना रहा है, हिंदू महिलाएं सिंदूर क्यों नहीं लगाते हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक उनमें से एक पुरुष ने पूछा, आप क्रिसमस क्यों मना रहे हो। महिलाओं द्वारा लोगों को भगाने का एक वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक जब यही सवाल हिंदूवादी संगठन के लोग बार बार करने लगे तब महिलाएं भी पलटवार करने लगी। महिलाओं ने कहा कि वो किसकी प्रार्थना करती हैं, वो उनका विशेष अधिकार है, वो क्या पहनती हैं, इसे लेकर किसी और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इस नोकझोंक के दौरान महिलाओं ने धर्मांतरण के आरोप का भी खंडन किया। हालात यहां तक पहुंच गए कि महिलाओं ने वहां मौजूद इन लोगों से घर से बाहर निकल जाने के लिए कह दिया। इस पर काफी देर तक तीखी नोकझोंक हुई। नौबत यहां तक आ गई कि मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने बीच बचाव कर मामला जैसे तैसे शांत हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।